अभी हमने देखा कि करिकुलम एलिमेंट्स को हम कंटेंट यानी सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट मैटर क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है जिसमें हम टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरैक्शन और उसकी असेसमेंट की बात करते हैं सो करिकुलम एलिमेंट कैन बी द कंटेंट, द मेथड ऑफ असेसमेंट एंड द इंटरेक्शन इन द क्लास रूम आइए देखते हैं कि करिकुल के इन एलिमेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है हम सब जानते हैं कि इंटरेक्शन क्लास रूम में कहाँ होगी और किस के दरमियान होगी क्लास रूम में इंटरेक्शन होगी और ये इंटरेक्शन बच्चों और इसके दरमियान बेसिकली होगी और जब भी इस चाहेंगे ये इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के दरमियान भी हो सकती है अगर आप इस ट्राइंगल पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट, लर्निंग इंटरेक्शंस और असेसमेंट का महवर इस बच्चे हैं अब इस के जहन में क्या है अगर आप कलर पे तवज्जो करें तो हमने दो मुख्तु कलर्स को इस्तेमाल किया है डार्क नीला इस को जाहिर करता है या स्टाफ को जाहिर करता है और दूसरा कलर स्टूडेंट्स के लिए है दोनों ही पार्टीज यानी टीचर एंड द ट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिनकी एंड प्रोडक्ट एक ही है मसल इस की फ़िक्र तमाम वक्त ये होती है कि किस तरह से कॉन्टेंट को ऐसे पढ़ाया जाए कि सीखने का अमल बेहतरीन हो सके और स्टूडेंट्स के जहन में जो चीज़ होती है वो ये है कि किस तरह से सीखा जाए सो so, लिहाजा कॉन्टेंट को पढ़ाने के लिए और इंटरक्शन के दौरान ये मुख्त सवाल एक ही नतीजा की तरफ तोजो करते हैं यानी टू हाँ प्रमोट लर्निंग एंड स्टूडेंट इज थिंकिंग हाउ टू लर्न नाउ व्हेन दिस इंटरेक्शन हैज टाइम और एक लेसन का वक्त खत्म हो चुका है या एक टॉपिक खत्म हो चुका है या यूनिट या कोर्स खत्म हो चुका है तो के जहन में क्या है कि वट शुड बी लर्नड जब आप असेसमेंट करने जा रहे हैं तो हम किस चीज़ को असेस करें किस चीज़ को टेस्ट करें कि बच्चों ने क्या सीखा है और बच्चों के जहन में क्या सवाल होना चाहिए या सवाल होता है कि हमने सीखा क्या है और सीखना क्या है जो हम असेसमेंट में लिखेंगे और ये आप किसी भी क्लास लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग ग्रेड वन थ्रू ग्रेड एट ये जरूरी नहीं कि इन सवालात को अल्फाज का रंग भी दिया जाएगा ये सवालात आपके जहन में एज स्टूडेंट्स और एज टीचर्स और बच्चों के जहन में एज स्टूडेंट्स हम वक्त मौजूद रहते हैं अब इंटरेक्शन जिस वक्त हो रही है और असेसमेंट भी करनी है तो के जहन में क्या सवाल है हाउ टू गॉज लर्निंग किस तरह से देखें कि कितनी लर्निंग हो रही है या कितनी लर्निंग हो चुकी है और कितनी लर्निंग होना बाकी है यानी सीखने सिखाने के अमल को कैसे बेहतरीन बनाया जाए और उसी वक्त के साथ साथ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि वो अपनी लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं यानी वो अपने टेस्ट में जो एक कंटिन्यूस असेसमेंट की फॉर्म भी हो सकती है या एक पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है उसमें अपनी लर्निंग को ये किस तरह से दिखा सकते हैं और इन अदर वर्ड्स टीचर्स आर वरीड अबाउट हाउ टू लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स और एनश्योर के बच्चे सीखते जाएं एंड स्टूडेंट्स आर वरिंग अबाउट हाउ दे कैन शो दैट दे ए रिजल्ट इन दिस इंटरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम Basic elements or components of curriculum are being addressed, which are content, assessment, and the learning interaction. Now we know that students and teachers are at the heart of curriculum, and all their interaction and their association is being answered by these questions about what was taught in the classroom and how it was taught or teaching strategy. And then, how it was being assessed, and at the same time, how we can see the relationship between different elements of the curriculum and the result of this teaching learning process.